बॉयकॉट करने चाहिए जो हमें इंडिया में इजीली अवेलेबल है, टू बी हाँ वेरी प्रैक्टिकल। हमें ओके ये चेक करना चाहिए कि किन चीज के एक्चुअली सब्स्टिट्यूट हमारे पास हैं, तो ओके हम उनसे बॉयकॉट करना स्टार्ट करें, क्योंकि शायद बॉयकॉट इज मतलब कहने में इजी है बट इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो हम अगर वहां से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। ओके दिस इज लाइक माय स्मार्टफोन पॉइंट। फॉर एग्जांपल कैन बी अवॉइडेड. यस सर, उसमें थोड़ा सा इंडिया की कंपनीज को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि चाइनीज जो फोन होते हैं वो काफी ज्यादा फीचर्स देते हैं इन लेस प्राइस, तो उस पे अगर इंडिया थोड़ा सा मेहनत करे तो इट कैन हैपन। सो अतुल सर, व्हाट डू यू थिंक? और प्रीति मैम बताइए, आप बताइए, स्मार्टफोन बाहर सर का बॉयकॉट करके स्मार्टफोन इंडिया के का. अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑल मेड इन चाइना, असेंबल मे बी इन देयर इन द रिस्पेक्टिव कंट्री बट द पार्ट्स ऑफ द स्मार्टफोन, अ डिसेंट स्मार्टफोन अवेलेबल इन इंडिया, थिंक टू हाँ ओके सो या अतुल सर, आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक स्टार्ट करें? तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो सबसे पहले ये जो असेंबलिंग वाले जो पीसेज है वहां से करना चाहिए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की. बड़ा पूरा आईफोन असेंबल करना, पीसी बनाना, आईपैड बनाना, वो तो बहुत लंबा, इट्स लॉन्ग रेस. अभी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं. चाइना का एक चाइना के छोए एक आईपैड, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी नया जो लॉन्च हुआ iOS 14, तो देख रहा था एक एक पीस जो होता है ना, एक आईपैड का या एक आईफोन का या इवन किसी कार कंपनी का, कार भी ले लीजिए, तो पीस पूरे दुनिया भर से असेंबल होता है. ऐसा नहीं कि कोई वो चाइना में बन रहा है या अमेरिका में बन रहा है या जापान में बन रहा है, उसके पीसेज अक्रॉस द वर्ल्ड बनते हैं. तो वो पार्ट ज्यादा आसान है कि हमने किसी एक पीस पे फोकस किया कि ये पार्ट, ये सेमीकंडक्टर पीस, ये कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं, और वो आसान है, मतलब ज्यादा आसान है, पॉसिबल है. ओवरऑल पूरा सिस्टम कि हम आपकी कार को हम आपके यहाँ बना लें, अपने फोन अपने यहाँ बना लें, कंप्यूटर बना लें, वो थोड़ा ज्यादा हार्ड है. बट दूसरा पीस जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, असेंबलिंग, असेंबलिंग तो एनीवे इंडिया में असेंबली काफी हो रहा है. तो आप चेन्नई जाइएगा तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कार की कंपनी, फोर्ड, जनरल मोटर, ये जितने भी कार कंपनीज है जी, सारी कंपनीज के कहाँ पे असेंबलिंग हो रही है? चेन्नई में हो रही है, या और भी गुजरात में जब वो हुआ था जब प्रॉब्लम, तो टाटा का कार का, तो बहुत सारा चीज गुजरात में शिफ्ट हो गया. तो मेरा कहना है कि कंपोनेंट्स और पीसेज से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. एंड लार्ज लेवल का जो डिसीजन है तो वो गवर्नमेंट लेवल पे करने की जरूरत है. गवर्नमेंट बोले कि डियर एप्पल, डियर सैमसंग, डियर पैनासोनिक, डियर वाटर, आप हमारे यहाँ करोगे कुछ, मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाओगे, नोएडा में काफी, जैसे ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है सैमसंग का और बहुत होगा, तो आप हमारे यहाँ अगर आप करना चाहते हो तो हम आपको जमीन, टैक्स, एक सिंगल क्लियरेंस विंडो देंगे, जो कि इन थ्योरी बहुत जगह है अभी, बट एक्चुअली एक आईएएस ऑफिसर साइन कर देंगे. उस पर्सन का काम होगा कि आपके सारे हर्डल को वो पूरा करे. आपको 10 जगह पे सेक्रेटेरिएट का चक्कर, 10 शो पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है. वो आईएएस ऑफिसर, मैं ओएसडी का ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी असाइन कर दूंगा, एक गूगल के लिए, एक फेसबुक के लिए, एक माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एक इंटेल के लिए, हर कंपनी के लिए एक ओएसडी असाइन हो जाना चाहिए भारत सरकार से. और मिनिस्टर के, ऑब्वियसली मिनिस्टर भी के बांट देना चाहिए कि ये जो मिनिस्ट्री है, अभी नाम के लिए मिनिस्ट्री है, लेकिन आप पावर मिनिस्टर हो, आप आईटी मिनिस्टर, जैसे रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर मिनिस्टर बिसाइड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट. रविशंकर प्रसाद की जिम्मेवारी बनती है इन सारी कंपनीज के सीईओ के साथ, इन सारी कंपनीज के जो उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग करे. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, नेगेटिव एग्जाम्पल है लेकिन इम्पोर्टेंट है. कुछ साल पहले मैं न्यूजर्सी में था, तो हमारे अभी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, बिहार से हैं, पटना से हैं, मैं भी हूँ,
तो वो अभी आए थे न्यू जर्सी में, एक इवेंट में आए थे, इन्वेस्टमेंट टाइप का आईटी का ही इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें आए थे। लेकिन वहां पे बाद में मैंने उनको मेल भी किया, ट्वीट भी किया, सब कुछ रीच आउट किया, बाद में पता चला कि वो आए थे क्यों, क्योंकि न्यू जर्सी में एक उनको शादी भी अटेंड करनी थी, तो शादी अटेंड करने के लिए वहाँ इवेंट में ज्यादा टाइम बिताए, और बाकी बहुत सारे जो लोग मिलना चाहते थे बिहार के झारखंड के अंदर, उनके मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्टर लेवल पे, ब्यूरोक्रेट लेवल पे उनको जमीन पे आना पड़ेगा, और ऊपर से डंडा मोदी जी का चलेगा तो अच्छा रहेगा कि आपको सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या सारे इन्वेस्टर्स हैं, सारे बड़े बड़े जो बिजनेस हैं जिनको बुलाना चाहते हैं, उनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट दो, आप उनके सेवक हो और उनके साथ आप एज ए फ्रेंड उनके साथ आप डायरेक्टली रीच आउट करो, सबको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दो, उस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि चाइना ने ये काम किया है, चाइना ने सक्सेसफुली किया है। चाइना में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी हमारे यहाँ ग्रुप में लोग हैं चाइना में जिन लोगों ने बिजनेस किया है, तो वो जानते हैं कि आप चाइना में बिजनेस करना चाहते हो तो चाइना के ऊपर लेवल से आदेश मिला हुआ है, नीचे लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम करेगा तो उसकी तो जान चली जाएगी। तो उस लेवल का काफी सीरियस कमिटमेंट फाइनेंशियली टाइम वाइज जाना चाहिए, मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेट्स हर लेवल पे, इवन नीचे सेक्रेटेरिएट लेवल पे भी कोई चाहिए, हर लेवल पे एक टीम बनानी चाहिए, क्या कहते हैं, जो कि इनका काम ही है कि उस कंपनी के लिए डेडिकेटेड टीम है, ये हमारी सैमसंग टीम है, ये हमारी गूगल टीम है, ये हमारी इंटेल की टीम है, हर कंपनी के साथ एक डेडिकेटेड टीम बनाना चाहिए, एक मिनिस्टर्स के एक लेड बाय अ मिनिस्टर एंड देन बाय फ्यू ब्यूरोक्रेट्स, एंड देन नीचे लेवल की जो टीम है वो तो इंडिया में है ही हर चीज के लिए, दैट आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स। तो अगर ये हम एक बड़ी कंपनी के लेवल पे कर सकते हैं, तो एक हम कंसोर्शियम्स नहीं बना सकते जो कि आपकी एमएसएमई के लिए भी हो, लाइक एक एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, पर तो वो है एक्चुअली है हमारे पास बहुत सारे जो ट्रेड की बॉडीज है ना, जैसे कि यूएस में जब मोदी जी आए थे तो यहाँ जो इनकी मीटिंग जो अरेंज की थी, तो सारे लोगों को, सारी कंपनीज के बिजनेस को, गूगल माइक्रोसॉफ्ट सबकी कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग हुई थी, और जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जिन लोगों को बुलाया गया था, तो इंडिया में बहुत सारे बॉडीज है, आप भी जानते होंगे CII, एसोचैम, टाई, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ऑलरेडी ये काम करती है, दैट्स व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। जो नॉन जो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, CII बहुत पावरफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसके बाद मैं डालूंगा नैसकॉम का आईटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एसोचैम भी है, फिक्की है, तो ये जो ट्रेड बॉडीज है ना, दैट इज व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, उनका डायरेक्ट एक्सेस होता है मिनिस्टर्स के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, and that is what they are supposed to facilitate, aur karte bhi hai alag alag tarike se, to humko unke sath involve karna padega, hona padega, ha matlab this is one point that is very good, if there is something to matlab agar beech mein se layers kam ho jaye to matlab we can speed up the process of manufacturing। हाँ, तो ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का आइडिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 10 डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, ये काम चाइना ने काफी अच्छे से किया है, जो कंटिन्यू किया कि आपको 10 डिपार्टमेंट में और 20 पेपर वर्क अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए एक पता है कि एक पर्टिकुलर IAS ऑफिसर या एक ब्यूरोक्रेट सम पर्सन, आपको बस उसके उससे डील करना है, बाकी सारा काम उनकी जिम्मेवारी है कि कहाँ कहाँ क्लियरेंस कराना है, क्या क्या फाइल वर्क पेपर वर्क कराना है, दैट शुड बी द हेडक ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट। एंड सारे IAS तो हो सकते नहीं, IAS भी इंडिया में उतने ज्यादा नहीं होंगे, बट IAS या बहुत सारे मिनिस्ट्री के अंदर सेकंड लेवल जो मतलब कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल, तो उस लेवल का डेलीगेट करना पड़ेगा। एक तो सेक्रेटरी लेवल हाईएस्ट होता है इंडस्ट्री के लिए, तो मान लीजिए कि IT के मिनिस्टर हैं, IT के सेक्रेटरी हैं, बट उनके नीचे बहुत सारे क्लियर होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड उसके नीचे के बहुत लेयर, तो हर इम्पोर्टेंट कंपनी के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, साइज के हिसाब से एलोकेट किया जाता है मेरे ख्याल से, और करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है कि ये जो कंसोर्शियम या सिंगल क्लियरेंस विंडो होगा, ये इसमें चाइनीज इनवाइटेड नहीं रहेंगे, अगर वो आना चाहेंगे तो उसका एक तरीका है कि आप चाइनीज को इनविटेशन तो आप मना किसी को नहीं करोगे, बट एक मुझे को याद है, बहुत एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल है मेरा, उसको मैं देना चाहूंगा कि बहुत सारे
पार्टी में आप अटेंड करने के लिए आपको कार्ड तो मिला हुआ लेकिन आप बहुत वेलकम नहीं होते हो, मतलब कि वहां पे आपको कोई स्वागत नहीं किया जाएगा आपका, या आपके लिए अलग से आपको घुसते के साथ ही होता है कि आपको दिखावटी वाला चीज होगा कि आपको सबको मान लीजिए कि हम फूल माला पहना रहे हैं, इसको कुछ ग्रीटिंग दे रहे हैं, एपेटाइजर दे रहे हैं, वो सब तो मिलेगा आपको, जो गेस्ट का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअली जो क्लोज डोर मीटिंग्स में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जो सारी मीटिंग जो होती है ना, जैसे टाई के कॉन्फ्रेंस में अटेंड या किसी बड़े सीआई कॉन्फ्रेंस में आप अटेंड करेंगे, तो एक तो बड़ा कॉन्फ्रेंस हो गया, उसमें हजारों लोग बैठे हुए हैं, भाषण सुन रहे हैं, दे रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और या बूथ वर्कशॉप लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल जो डील साइन होती है वो क्लोज डोर मीटिंग्स में होती है। तो किस क्लोज डोर मीटिंग में कौन इन्वाइटेड है वो इनविटेशन ओनली होता है, तो उसमें सबको इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है। तो हम चाइना वाले को अलग मीटिंग में इन्वाइट करेंगे, कोरिया वाले को, उस सारी मीटिंग्स में तरीका होता है कि बिना आप सामने वाले को इंसल्ट किए हुए भी प्यार से उनको इनविटेशन मिले ही नहीं, उनको मिले जिस इनविटेशन में उनको एक अलग इनविटेशन बना दिया, दूसरे ब्यूरोक्रेट चाइना को हैंडल कर रहे हैं, नेट नेट हो सकता है उनको भी नाम के लिए छोटा मोटा कुछ काम दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट जो इंडो मीटिंग्स हो गई ना, प्राइवेट मीटिंग्स, उस प्राइवेट मीटिंग्स में चाइनीज कंपनी को सटल वे में छांटा जा सकता है। और हमारे बाबू लोग इस मामले में, सरकारी लोग बहुत तेज है इस मामले में, अगर करना चाहें तो उनको पता है किसके साथ बिजनेस करना है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको नहीं देना है, तो वो तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ साइन कराना डॉन की तरह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप से है, लेकिन चाहे तो आपका हर काम एक दिन में करा सकते हैं, कुछ घंटे में करा सकते हैं, मैंने कभी कभी कराया भी है, तो उसके लिए सारा जान पहचान रिलेशनशिप्स वो मैटर करता है, तो उस एंगल को यूज करके इंडिया बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर सकता है। हमारे कोरियन फ्रेंड है तो हम कोरिया वाले सैमसंग वाले को हम जल्दी चांस देंगे, एलजी वाले को जल्दी चांस देंगे, चीनी वालों को किसी एक बाबू को साथ टिपका दिए, वो बैठ के उनको मीठी मीठी कोल्ड ड्रिंक और उनको चाउमीन खिलाते रहेगा, लेकिन उनको धंधा नहीं रहेगा। Vamsi has joined. Vamsi, can you hear me? Yep. Hey guys. Hey. Yes, Vamsi, please introduce yourself to the people. You are new to the crowd. Please. Yeah, let me turn on the video. Can you guys see me? Yeah. Hey. So I'm Vishal's classmate from Kharagpur back in 2006. I'm actually seeing Vishal after a long time. I'm in California. I plan to relocate back to India in a month, and I want to launch my own business once I come back. In US, I tried two startups in the past. They didn't go well. This time, I want to give another chance with the with more experience that I got from my previous experience. Is there any specific question you want me to answer? Thank you. Thank you, Vamsi. So let me just give you the context what we are trying to discuss. So the topic is how to make India next superpower in the context of this boycott, what you are hearing in the context of what boycott Chinese products, boycott China. Export China. Got it. So, अभी what we are discussing is कि China को boycott, how can we really boycott them officially? You got muted, Vishal. Do you think it can work? This boycott China thing. Can we really boycott China right away? I have a very different opinion the crowd might not like. Mm-hmm. Sure, feel free. I personally, so frankly, I don't know the background that started this boycott thing. I've been reading the news very lightly, haven't gone too deep. But in the world of globalization, boycotting any country would only do bad than good in the long run. And I believe no matter which country it is, whether Pakistan or China, no matter whether how our relationships are with them, on the political side, business side, I always believe in globalization and free trade. Yes, yeah. Some companies, some countries put certain levels of duty, I don't know the right word, when products are sold in another country.
that's a good discussion. But boycotting, I feel personally, will hurt us, given that China is a superpower. We should be friends, but not do this. It feels very negative to me. But it's my opinion. No, that's fine. People might have better. One more question, a counter question rather. So you are seeing this boycott China is, you know, very much flooded in the social media, right? So, you know, it's kind of sending a message to China that, you know, we have already declared a war against them on a trade front. That, okay, we are going to boycott your product, do what you can, kind of, right? So, like what you're saying that, you know, this boycott thing is not so good. But then, again, declaring this right away, what do you think this declaration can have? What problems can this declaration create? Will this be ignored by China completely, or will this declaration create some kind of problem at least? I don't know. I mean, what's your take? And we can take other people comment after this. Now what? Yes, please. I feel there are many interdependencies directly or indirectly between India and China. Across trade and other domains. Where are you in California? I'm in Milpitas. Okay, so I'm like neighbor to Alvin San Jose, like 5 minutes away from Milpitas. We should meet. Hey, cool. But, is that Atul who spoke? Yeah. This is Atul. Yes. So the just like to answer this question of Vamsi, ki yes, boycotting is technically not possible because India is also under the international lock in there. There is a GATT, General Agreement on Trade and Tariff. There is a WTO, all those things. So India cannot officially boycott any country as a government. What India can do, and as an individual level, individual country level, as I try to explain in a lot of detail, you can be more subtle about it. Consumers can make a decision, and that's hard. Convincing consumers to buy something which is costlier than a Chinese product. But वहाँ पे that देशभक्ति angle में देश की धरती सोना उगले and that मोदी जी या अमित शाह जी they can do that angle. But more than that, political parties, they can say anything about China, right? Political parties, BJP, RSS, they can say कि जैसे बहुत साल पहले RSS एक organization है. They start the Swadeshi Jagran Manch. So they can always see is Make in India ko ek to officially bhi, US mein bhi, Trump mein bhi MAGA, Make America Great Again. So Trump bhi America ke liye MAGA bolte hain, Modi ji bhi bolte hain Make India Great Again. So usme koi dikkat nahi hai, politically bol sakte hain. But on an execution level, at a business level, each company, each individual has to make that personal choice. And consumers ko influence kiya ja sakta hai. Wahan pe Baba Ram, type log, yeah, those anybody who has influence, yeah, jinka bhi influence society pe, they can start encouraging ki hamare products mein Chinese components nahi use hota hai, isliye aap hamara use kijiye. That's what I wanted to say on warm. That's fine. The question is more ki, you know, we are declaring pretty much ki, okay, I'm like, you know, going to boycott. उसमें क्या है कि if a foreign country जिसने कि आपके country पे attack किया है, जैसे अभी China ने India पे officially war declare नहीं किया है, but वहाँ जो लद्दाख में और border पे जो चल रहा है, तो it's like war-like situation. तो war-like situation में historically train रहा है कि एक दूसरे पे countries एक दूसरे पे tariff bans लगाती है, restriction लगाती है. US ने लगाया है, Germany ने लगाया है, UK ने लगाया है, पूरी दुनिया लगाती है. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि किसी कंट्री ने हम पे इन्वेड किया है. चाइना ने लद्दाख में मारा ने, तो वो 20 सोल्जर्स की जो जान गई है, दैट इज इटसेल्फ इनफ टू सेल कि बॉस आपने तो हमारे कंट्री पे इंक्रोच किया, तो आपको हम आपके हम यू आर नॉट वेलकम इन माय कंट्री. बट उसको अलग अलग फोरम पे अलग अलग तरीके से कन्वे करना पड़ेगा. ओके, या वंसी, व्हाट्स योर टेक इन दिस डिक्लेयरिंग दिस सुडो वॉर? Yeah, personally, I feel politics and business should be kept separate. And there could be, you know, with politics, you never know the truth. It's always a perception of all of us. So mixing them both, especially given that there's a lot of interdependence right now in the global world between China and India, and China and other country in India, it creates a ripple effect. And also compared to China, we are much smaller economy-wise. It's as though you're trying to get in fight with your elder brother in your family,
of course, you might gain some, but you would also lose some. And I don't know enough of exactly the trade that happens between both to gauge the difference. So we had shared that data in the previous discussion, Vamsi. So India, China basically imports literally 10 times of what we they export to us. So the effect of China, effect on China will be greater than the effect on India, because it's not just India. Currently, thanks to Corona and all the predatory practices which China has developed, so it's not just India saying boycott China. The same is being said by Germany. The same being said by Brazil. The same is being said by UK. Because of Corona, thousands of lives have been lost. So China is the villain in this fight. So the whole world is uniting. Let's boycott China. So publicly, people, presidents and prime ministers across the world are saying, let's boycott China. Practically, who will do that? That's another matter. But whoever can do that, many countries have done. For example, Japan ka example is a very example. Japan has declared a funding, this $100 billion, some large amount of funding for any company, Japanese company, who wants to relocate his business from China to Japan. The Japanese government is going to fund that. And many other countries are doing that. So that nothing wrong with that. Helping our own companies, any international companies, if you want to move your business operation from China to Germany, Germany will give some funding. And that has always been the case. That's always the case. If you move something from China to Brazil will give some funding. If you move China from to UK, UK will give some funding. That is always the case, not new. It has been happening forever and ever. So if India says, if you move something from China to India, and many state level initiatives will be even more effective. If Yogi ji, let's say Yogi Adityanath in UP, he says ki in our Noida, which is a big export hub, a manufacturing hub also. So already Samsung has a huge presence in Noida. But if Yogi ji says ki we will have a UP government will give some special incentive for any company coming from anywhere in the world, but we will give a special incentive in UP, in Noida, or there's a similar initiative, we can say Haryana can send you, Gurgaon, we will have a special incentive for. And that's how many of those cities on the border of Delhi have grown, Gurgaon, Noida, and similarly, Abhi, that whole corridor from let's say, from Delhi to all the Lucknow, that whole corridor will help with some of the money. So the government will say, we will take care of that. You don't have to worry about that. That's all I wanted to say. I would love to hear other people as well. I think it's just three of us talking. Yeah, sure. Yeah. What's your take up the thing? First of all, Vamsi, best of luck. Nice to meet you. Thanks, Shyamaji. And just say Shyama or Goswami, it's fine. Okay. So, you know, we were talking about this single window clearing, right? What is the status right now and what does it actually mean? I mean, suppose somebody comes and applies, how long does it take really to, you know, things to put the things on the platform and take off? Like China, you know, in one point of time, they were giving a time of 20 to 30 days to lay the plan, blueprint. And within 2 to 3 months, people were in a position to start their operations. Uh-huh. So I do not know much of that what does it really mean in India's context, this single window clearance? Because that's the very crucial part for attracting the investments from abroad, along with other things what we discussed yesterday, that skill upgrade and etc. One organization which is very important is DPIIT, Department of Skill. They are the one. Startup Registration. Ministry of Commerce ke andar aata, Commerce and Industry ke andar aata. So DPIIT is the government body which we should reach out to. Single window clearance chahiye ya startup ke baare mein chahiye. So DPIIT, you need to know the process of how DPIIT works. And uske jo secretary hai, ministers hai, if you reach out to them, things might work. Like everything else, you have to know people. For example, in Bengal, if
if we have to start something, to whom to approach? Mm-hmm. Bengal, tricky issue, because for anything in India, the state government and the local government is also important. So for anything which doesn't require the state government approval or process, then you can work directly to the central. But for buying a land or for many of the clearances, the state clearances needed, then you have to rely on the local state government. So Calcutta, West Bengal, in my view, I will avoid that. नहीं, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे यू नो देर आर सिनर्जीज यू नो लाइक दुर्गापुर दैट पर्टिकुलर यू नो दैट बेल्ट व्हेन आई गो और इन द बांकुरा डिस्ट्रिक्ट एंड बीरभूम डिस्ट्रिक्ट देर इज अ लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल एक्चुअली एंड द पीपल ऑल्सो वेर यू नो द रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्युमुलेटेड फ्रॉम दैट रीजन इज द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कोलकाता विशाल व्हाट डू यू वांट टू से Yeah, I think I directly registered and started. But my case, you know, I don't work with West Bengal only. I work with the whole India. So we tie up with colleges all across India and take them all across to international location. So हमारे केस में तो वैसा कुछ परमिशन वगैरह कुछ इशू वैसा हुआ नहीं. But I think if you know some sectors might be different. Question is to Bengal. Bengal will start kya ke liye? फिर से question क्या था? कि आपने Bengal में Calcutta में office setup किया है? Kolkata में ही हमारा office. Kolkata में ही हमारा office. West Bengal में Kolkata registered ही है as a head office. ढाई साल हो गए तो हमें तो कोई वैसा दिक्कत नहीं आया अभी तक. अगर कुछ सेटअप करना है तो इज अ डिफरेंट स्टोरी में भी. हमारा तो एक सर्विस इंडस्ट्री था तो आई गेस वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम एज सच. यस श्यामा सर आर यू देयर? Yeah, I'm here. No, I'm listening. yeah. Abhishek also, I think, does in Bihar only. Kolkata mein se is, you know, Abhishek, are you there? Abhishek. Yes. Tumne yes. Kolkata mein register kiya tha company? Yeah. Kaise kiya tha? Nahin, company register mera Bihar ka hai, par mera Bihar and West Bengal dono jagah office. तो कोई problem नहीं आता है. मेरे ख्याल से तो मतलब बिजनेस करने के लिए आए हमको कोलकाता से बेटर अपना बिहार लगता है, क्योंकि एक जो भी बोलिए आदत हो गया है या मतलब बहुत दिन रहे हुए हैं तो एक पहचान टाइप का बन गया है, तो वो काम इजीली हो पाता है. जैसे उस पे एक पॉइंट बोलना चाहूँ विशाल कि अभिषेक और हम लोग जो येन हम लोगों ने स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो हमारी येन के पहले मीटिंग में एक तो अभिषेक जी ने वहां से टाई के बंगाल से क्या नाम है एक वेंचर कैपिटलिस्ट है उनको श्रीवास्तव जी को लेके आए थे. बट उसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल जिन्होंने गाइड किया हम लोग को हम प्रीवियस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और वो बिहार में वो भी चलाते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर पटना में चलाते हैं और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है. तो बहुत बार क्या है ना कि आपको चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल के भी को आईएएस ना एक बार विजय प्रकाश जी का एक कॉल चला जाएगा तो कोई काम रुकेगा नहीं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप वहाँ के लोकल ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं कि नहीं. ब्यूरोक्रेसी से काम होता है, मतलब मिनिस्टर वगैरह भी ठीक है लेकिन अल्टीमेटली किसी ब्यूरोक्रेट को आप जानते हैं ना टॉप लेवल पे और नीचे लेवल पे. लेकिन इसमें हम कुछ कहना चाहेंगे कि देखिए जैसे मतलब जो आदमी उतना भटकता है तो उसका शायद उस लेवल से पहचान हो पाता है, लेकिन 100 में 5% आदमी का ही हो पाता है, 95% आदमी का नहीं हो पाता है. जैसे हम अपना बदला रहे हैं, एक मेरा एक काम था पटना इस सचिवालय में के पाठक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो अच्छे आदमी हैं लेकिन उनके पीछे जो होता है ना आसपास वाला इतना ज्यादा चमचा जिसको बोलते हैं
भरा हुआ है सब, वो आपका काम होने ही नहीं देगा सर। तो एट लास्ट क्या हुआ, हम डेढ़ महीना भटके, बाद में थक के हम बैठ गए कि कुछ नहीं होने वाला है। तो वही होता है गवर्नमेंट में भी। मोदी जी मान लीजिए अच्छे आदमी है, लेकिन उनके उनका चमचा बेलचा है, उनका नाम खराब करके रखता है सर। So that's what I'm telling, you know, this ki single window clearing jo hai, matlab where it is exactly, agar ye sab dikkat, you know, the party intervention started happening, ki hamare is aadmi ko is maat se ek cheez hum aapko batlaye, aap is jahan aap gate se enter hote hain, तो एक तो गेट पे ही आपको 10-20 रुपए सिक्योरिटी गार्ड वाला मांगा, जो भी ऑफिस का आदमी होगा, मतलब वहीं से इलीगल काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप गेट पर गए नहीं, एंट्री से लेकर नहीं नहीं मैं इस पे एक पॉजिटिव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आपसे पहला कराना चाह रहे थे बिहार में ही, तो मैं भी सेक्रेटेरिएट के चक्कर रोज लगा रहा था, काम नहीं होता। जैसे अभिषेक ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में आपको गेटर से लेके अंदर के प्यून लेवल का हर लेवल का, लेकिन एक दिन अचानक मैं सही जगह चला गया। एक इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी थे, जब मेरा कागज जब पहुंचा तो अचानक उन्होंने क्या किया कि खटाक उनके जो जूनियर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें जो सेक्रेटरी लेवल है उनको बुलाया। कि देखो जी ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको गवर्नमेंट से करना था, तो उन्होंने सीधा अपने अंडर के एक आईएएस को बुलाया कि देखो ये अतुल जी हैं, न्यूयॉर्क से आए हैं और इनको गया में फंक्शन है, तो सब डिपार्टमेंट में सब जगह पे जो भी लेटर होता है सब जगह भेज दो, जो चाहिए इनको हेल्प कर दो। उन्होंने बुला के भेज दिया। वो जो आईएएस जूनियर लेवल के, वो बाद में का वो अच्छे इंसान थे काफी, तो उन्होंने बहुत सारे काम फैसिलिटेट किया और उस इवेंट में भी आए वो हिमसेल्फ, दैट ब्यूरोक्रेट केम। जो मिश्रा सीके मिश्रा वगैरह तो नहीं आए, क्योंकि उसी समय नीतीश कुमार ने एक मीटिंग रख दिया उसी दिन सैटरडे को, था किस कारण से रखा पता नहीं, बट कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आने वाले थे, नहीं आए मिनिस्टर्स नहीं आए। लेकिन ये जो मिनिस्टर सेक्रेटरी जिन्होंने सीके मिश्रा जी ने असाइन किया था, वो हमारे इवेंट में आए और उन्होंने स्टार्टअप की जो भी पॉलिसीज क्या है बिहार गवर्नमेंट की, इंसेंटिव्स क्या, Q&A सेशन ये हमारा कुछ घंटों तक चला। और एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए होता है कि कोई सरकार का आईएएस ऑफिसर जो कि डिसीजन मेकर है, वो आपको हर सवाल का जवाब दे रहा है, वो भी एक हम लोग संबोधित, ज्यादातर लोगों में अभिषेक की तरह परसिस्टेंस नहीं होता है या सामाजिक की तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यू हैव टू फाइंड सम पीपल हु कैन मेंटर, यू कैन गाइड, यू हैव टू फाइंड एन अभिषेक कुमार, यू हैव टू फाइंड अ श्यामा जी, और यू फाइंड अ विशाल कुमार हु कैन हेल्प यू नेविगेट द बाउंड्री, या जो इंडस्ट्री के जो बॉडीज होते हैं CII एंड एसोचैम एंड ऑल दैट, यू कैन यूज दैट। एग्जैक्टली अतुल जी, तीसरे गन हम लेना चाहेंगे, एक बात और ऐड करना चाहेंगे कि एक अपना ईगो का भी फर्क होता है। जैसे अभी बिहार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है श्याम रजक करके, ठीक है, उसको मतलब बोल दिया जाए कि तुम दो लाइन, वो पता नहीं किस तरह मिनिस्टर बन गया, दो लाइन तू बिना देखे कुछ वो बोल दो या एक अच्छा से एप्लीकेशन लिख दो, वो भी वो नहीं कर पाएगा। और उससे मिलने के लिए आपको मतलब 20 दिन भटकना पड़ता है और अंदर से थोड़ा दुख भी होता है कि यार हम लोग इतना पढ़े लिखे मेहनत करके और वैसा आदमी से मीडिया से बात करता है तो वो लगता है कि थूक फेंक देगा, और वैसा आदमी से मिलने के लिए मतलब क्या बोले, भटकना पड़ता है, लेटर दो, ये दो, वो करो, या और बहुत आदमी को देखते हैं कि मतलब इतना पढ़े लिखे लोग होकर और फेसबुक पे ये क्या लिखते हैं, मीटिंग विथ श्याम रजक, भार में श्याम रजक मिनिस्टर है, अपने लिए है। अब अभिषेक एक एग्जांपल पॉजिटिव उसमें देते हैं, जब हमको जो कुछ लेना था ना,
तो लेटर भी उनको नहीं आ रहा है, तो हमको बोला, उन्होंने अपना कंप्यूटर दिला दिया कि इस कंप्यूटर पे आपको जो लिखना है ना परमिशन के लिए, इस पे आप लिख लीजिए, और वहीं पे उनका प्रिंटर भी था, प्रिंट आउट निकाल के उनके बिहाफ पे उनको लेटर लिखा के हैंड टू हैंड जाके उनको साइन कराना पड़ा। तो अगर आपको जिस जगह पे जैसा देश वैसा, अगर आप बिहार सरकार के सचिवालय में है तो आपको खुद से लेटर भी आप ही को उन्हीं के कंप्यूटर से टाइप कर, क्योंकि उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने भी नहीं आता। जो अभिषेक जी बोले थे बिल्कुल सही है कि मिनिस्टर तो छोड़िए, सेक्रेटरी लोग को भी काम नहीं आता, उनके सबके असिस्टेंट होते हैं जूनियर लेवल के लोग जो जिनका काम होता है लेटर लिखना, तो आपको कभी कभी बोलना पड़ेगा कि सर हम आप बोलिए तो हम आपके लिख दे, और आप अपने से बोलिए कि कंप्यूटर दीजिए दो मिनट लिख दिया, लैपटॉप लेके जाइए उनके सामने आप लेटर लिख लीजिए, और उनको सवाल बोले कि सर बस आप इस पे साइन करा दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो काम नहीं करता, सचिवालय का एक छोटा सा ऑफिसर उसने आपके फाइल पे हल्का सा एक नोट डाल दिया, आपका फाइल जिंदगी भर घूमते रहेगा, कभी नहीं होगा। तो उस नोट वाले प्रोसेस को कैसे करें, उसके लिए आपको थोड़ा ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पे आपको लोगों को जाना पड़ेगा। टॉप फ्लोर पे हो गया, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे कि आपको कुछ लोग कास्ट एंगल यूज करते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, कुछ लोग पैसा यूज करते हैं, जिस एंगल से भी वो ग्राउंड फ्लोर का जो बहुत जूनियर लेवल का जो कर्मचारी है ना, प्यून टाइप का, मतलब जो फाइल वाइल देखता है, उसके साथ भी आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी, चाय पीना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। मैं घूस नहीं दूंगा लेकिन मैं चाय तो पिला ही सकता हूँ, चलिए आपको चलिए महतो जी आपको चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं। That's a very right thing, Atul. मैंने अभी when I came back to India, no, तो उस टाइम ये बंगाल में एक अलापन बंदोपाध्याय ही है, क्या नाम है, अलापन, I think he was looking after MSMEs. So I had a very good vibe after meeting with him. तो वो मेरे को बोले थे भाई, I do not know whether he is still in the same department or change हो गया, I do not know. लेकिन मेरे को बोले थे भाई, इफ समथिंग इज नीडेड टू बी डन इन द एमएसएमईज एंड ऑल, यू कम एनी डे एंड दैट विल बी डन। तो इस तरह का होता है, बट यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो मेरे हिसाब से ये सब काम करने के लिए फिर एक एजेंसी रखना पड़ेगा कि भाई हु विल डू दिस सॉर्ट ऑफ लायजनिंग थिंग्स, इवन इफ इट्स अ सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम, यू नो। हां एग्जैक्टली, ये जो बोला श्यामा जी ना कि लोकल नेविगेट करने के लिए आपको यू नीड समबडी हु नोज द सिस्टम, उनको पता है कि सिस्टम में कैसे कैसे क्या पावर स्ट्रक्चर है, कैसे काम होता है। तो आप हो गए बिल गेट्स, आप हो गए बहुत बड़े आदमी, बट ग्राउंड लेवल पे यू नीड सम लोकल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑर्गेनाइजेशन, उनका यही काम ही होता है, वो आपका काम करा देंगे, दे हैव अ फीस एंड दे विल गेट योर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्लियरेंसेस डन। तो उनको आपको हायर करना पड़ेगा। हेलो, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक ग्रोथ लेवल उसी दिन डबल हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, जिस दिन आम पब्लिक दफ्तर का आगे पीछे उसको भटकना ना पड़े किसी भी काम को लेकर, उस दिन एकदम 100% है कि हिंदुस्तान का एक ग्रोथ लेवल डबल और ट्रिपल हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा भटकाता है सब लोग, ये बोलते नहीं कि आपको चक्कर लगाते लगाते आपका चप्पल एक ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ये काम नहीं हो पाता है, वही हाल है अभी का इस सिचुएशन में। करेक्ट। तो में फिर हम लोग एक साइड कर दो, पहले आपका आवाज कट रहा है, शायद आपका आवाज कट रहा है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सो आई वाज सेइंग कि इफ वी आर थिंकिंग ऑफ यू नो लाइक सॉर्ट ऑफ गेटिंग यूनाइटेड एंड लाइक बॉयकॉटिंग अदर कंट्री प्रोडक्ट ये वो, तो पहले तो यू नो अपना ही सिक्का को ठीक करना होगा ना कहीं ना कहीं। जब तक अपना सिक्का ठीक नहीं होता है हमारा, या टू सम एक्सटेंड, तब तक दूसरा को क्या दोष दे सकते हैं हम लोग इन सम वेज। नहीं, बॉयकॉट के ऊपर हम कहना चाहते हैं, एज फॉर एग्जांपल दिवाली आया हुआ है, ठीक है, हम बल्ब का काम किया तो उसको बता रहे हैं, जो भी लाइटिंग वाले बल्ब आता है एक मेड इन चाइना का मिल रहा है 20 रुपया में, वही सेम चीज आपको मेड इन इंडिया का 50 रुपया में मिल रहा है। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, भले वो बाहर में बॉयकॉट
चाइना का पोस्टर लेकर वो घुमा होगा, लेकिन 99% आदमी 20 रुपया वाला ही खरीदेगा। 99% तो यही प्रॉब्लम पे डिस्कस करना चाहते हैं हम। सो अतुल सर आप कुछ बताइए, मिस्टर हरी आप यू नो आई हैवंट स्पोकन फॉर अ व्हाइल, सो मिस्टर हरी आप बताइए कि अगर 20 रुपया का मेड इन चाइना है वर्सेस 40 रुपया का मेड इन इंडिया है, आप कौन सा खरीदेंगे और क्यों? लाइक सिमिलर क्वालिटी ऑलमोस्ट। मिस्टर हरी आर यू देयर? और मे बी इट्स नॉट लिसनिंग। प्रीति मैम आप बताइए, हाँ क्या क्या हो सकता है ऐसे केस में? गलती क्या है अगर वो 20 रुपए वाला खरीदेगा, वो ये नहीं बोलेगा। हाँ वही वही इसी को समझने हैं हम लोग को। हैव योर सिस्टम्स इन प्लेस। करेक्ट, योर सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, वो अगर जो 50 वाला है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 20 या 25 से ऊपर नहीं होगी, उसके ऊपर जो है ना उसने खिलाया पिलाया होगा तभी उसकी कॉस्ट बढ़ के आई है। करेक्ट, तो आपने बहुत अच्छा चीज बोला। मैंने बताया था कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 30-35% आपका अप्रूवल्स और खिलाने पिलाने में जाता है, और कहीं तो है डिपेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट ऑन एन एवरेज गोज व्हिच इज अ ह्यूज अमाउंट। करेक्ट, तो वही तो लाइक प्रीतिमा जो आपने बोला कि वो खिलाने पिलाने में चला जा रहा है पैसा, और जैसा अभिषेक ने भी बोला, तो ऐसे केस में तो फिर तो सिर्फ ये कुछ हो हल्ला टाइप हो गया ना खाली कि हाँ ये करेंगे वो बातों के शेर वाला चीज, मैं मारूंगा लास्ट में मारेगा कोई नहीं। इसका उपाय है कि एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसको मतलब पॉलिटिशियन से कुछ नहीं लेना देना हो, जिसको वो लीड करेगा, टॉप क्लास का आईएएस अफसर आईपीएस अफसर उस लेवल का आदमी लीड करेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, या कोई जो टॉप 10 स्टार्टअप हो, टॉप 100 स्टार्टअप हो देश का, उसी को लीड करने के लिए दे दे, एकदम सही हो जाएगा। लेकिन काम करेगा तब ना होगा, मेरे जैसा आदमी से सजेशन लेगा तब ना होगा, दोहराएगा तो कैसे होगा। करेक्ट करेक्ट, तो जब अभिषेक तुमने खुद ही जवाब दे दिया कहीं ना कहीं कि इतना सारा चीज ऑलरेडी किसी ना किसी को लीड लेना होगा तभी कॉमन पीपल विल यू नो लाइक चेंज देयर माइंडसेट, राइट। उस पे एक और चीज बोलना चाहूंगा विशाल, कि किसी बहुत बड़े राइटर ने मुझे याद है बुक लिखा, एक आर्टिकल बुक लिखा था कि इंडिया तब काम करती है जबकि सारा सब लोग सो रहे होते हैं, मतलब कि सारी ब्यूरोक्रेसी सब लोग सो रहे हैं रात में तो इंडिया काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई गवर्नमेंट से इंटरफेरेंस भी नहीं है, तो इसीलिए इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना क्यों बूम हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप अपने गराज से काम कर रहे हो, अपने घर से काम करो, कहाँ से काम करो, किसी को कोई पता नहीं, और ना आपको गवर्नमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ हार्डवेयर वाली जो इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्लांट लगाना पड़ेगा, एक फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको लोकल लेवल के बहुत सारे परमिशन चाहिए होंगी। इवन टाटा जैसी बड़ी कंपनी को भी ममता जी ने बंगाल में परेशान किया तो उन्होंने बंगाल के जगह पे गुजरात शिफ्ट कर दिया। तो बड़ी कंपनीज की बड़ी प्रॉब्लम्स, छोटी स्टार्टअप्स की छोटी प्रॉब्लम। छोटी स्टार्टअप जो है आप हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हो तो आपके लिए अभी भी थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर टाइप के बिजनेस हो, सॉफ्ट सर्विसेज हो, बेच रहे हो, आप एक बीपीओ सेंटर भी चला रहे हो, कॉल सेंटर चला रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपके क्लाइंट दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब आपके क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट मैक्स आपको जो टैक्स रेगुलेटरी फाइलिंग में करना पड़ेगा, बट अदर देन दैट गवर्नमेंट के साथ आपको डे टू डे इंटरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सर नहीं नहीं, इसमें हम कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, पर ऊपर जो होता है ना उसका चमचा सब ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। समझो आप कोई भी चीज स्टार्ट कीजिए बड़ा लेवल पे, ऑटोमेटिक आपके पास लोग पहुंच जाएगा 50 तरीका का वो घूस मांगने के लिए या जो भी हुआ। अभिषेक कैन ऐड कि इतना झंझट लेगा क्या कोई पैट्रियटिज्म के नाम पे, ये क्वेश्चन है। एग्जैक्टली वही बात है कि हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एक लड़का 18-20 साल का आदमी
या स्टार्टअप कर रहा है वो मतलब अपना बेचारा एक काम में ध्यान देगा कि वो इसको दोस्ती इसको करने, फिर वो काम क्या कर पाएगा। नहीं तो इसमें जो विशाल जी ने बोला पैट्रिज्म के, पैट्रिज्म के नाम पे बिजनेस कोई नहीं करेगा, करता भी नहीं है बिजनेस, केवल अपने फायदे के लिए आप कीजिएगा वहाँ पे, आपको अपना फायदा के लिए लगता है कि आप जो टाइम लगाइएगा एफर्ट लगाएगा, चूंकि आप पटना में है या बिहार में है तो आपके लिए सेंस बनता है कि बिहार में आप बिजनेस कीजिए, वो सरकार अच्छी हो खराब हो बाद की बात है, लेकिन आपको चूंकि आप आपका कॉस्ट कम है, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं आप, लेकिन आपके लिए बैंगलोर जाना महंगा पड़ेगा क्योंकि बैंगलोर थोड़ा वहां पे जाके आपको रेंट लेना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा। सिमिलरली कोई बॉम्बे का है तो उसके लिए बॉम्बे सस्ता पड़ेगा, तो आप जहां पे ना वहां का लोकल इकोसिस्टम प्लस आपका फैमिली नेटवर्क फ्रेंड वो सारा काम करता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिजनेस में हम लोग नहीं सोचते हैं, तो हमको अगर मान लीजिए कि आज हम कैलिफोर्निया में इतना बोल रहे हैं कि भारत में मेरे देश की धरती बाहर से बिजनेस करो, बट मैंने आज तक बिहार में एक रुपया का बिजनेस में नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा खुद में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ से जब भी जाता हूँ तो फ्लाइट लेके जाता हूँ, जब मैंने नॉन प्रॉफिट के रूप में जब भी काम किया है तो यही देखा है कि मैं अभी उस लायक हूँ नहीं। यंग गाय इन कॉलेज स्कूल वो कर सकता है, अभिषेक जी 20 साल के कर सकते हैं, मैं अभी 40 साल की एज में मैं नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट ऑल माय टाइम बाबू लोग के पीछे मक्खन लगाने का। बट अभिषेक कल को सर 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 बोल के हो सकता है काम करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, नहीं हो पाता है ना सर। नहीं, नहीं, सर, तो सर बोलने वाला ही एक स्टार्टअप से नहीं हो पाता है। इतने हम ऐड करना चाहेंगे, अगर उसको सर सर किसी को भी करना रहेगा ना तो वो आदमी शायद स्टार्टअप फील्ड में नहीं आएगा, क्योंकि अपना शौक का चीज होता है, वो किसी का होता है नहीं। अभिषेक जी मैं कुछ लोग जानता हूँ बिहार में भी और इंडिया में भी जो कि कैसे वो लोकल लेवल पे वो लोग अपना काम करा लेते सरकार से, कुछ लोग पैसा खिला के करते हैं, कुछ लोग चमचागिरी करके करते हैं, कुछ लोग दोस्ती से करते हैं। तरीका सबसे नहीं हो पाता है, सबसे नहीं हो पाता है, एक होता है झुकने वाला एटीट्यूड हर किसी में नहीं आ पाता है वो। ओके, इसमें और एक चीज, व्हाट अबाउट डिफरेंट स्टेट्स, एक एक आई कैन से अबाउट आंध्रा, आंध्र प्रदेश में आपको हैदराबाद जैसे कि एग्जांपल भी देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे अमेजन हो गूगल हो सबके ऑफिस बैंगलोर, तो हम लोग सब जानते हैं कि बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, बट उसके बाद हैदराबाद बहुत तेजी से ग्रो किया, पुणे ग्रो किया, क्यों ग्रो किया, क्योंकि हैदराबाद के जो सीएम थे जब चंद्रबाबू नायडू थे, तो चंद्रबाबू नायडू सियाटल गए बिल गेट से मिल के आए, इंडिया के किसी नेता के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एक आध दिन वेट करना पड़ा आपको बिल भाई से मीटिंग के लिए, एंड ही वेटेड, जब तक बिल जी से मिले नहीं वो सियाटल से हिले नहीं। सिमिलरली वो सैन होसे कैलिफोर्निया है, जब तक जॉन चैम्बर से मिले नहीं सिस्को के सीईओ थे तो गहटे नहीं, तो ईगो को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और नेता लोग को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास है, उनको अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो सब छोड़ छाड़ के, मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो जितना भी उनपे होते रहा लेकिन वो पूरे दुनिया में घूमते रहते थे, आज से नहीं पीएम बने अभी लेकिन 20-30 साल से वो पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे गुजरात के लिए प्रमोशन के लिए या एज ए सोशल वर्कर। तो एज ए एंटरप्रेन्योर हमको देखना पड़ेगा कि किस मार्केट में किस सिचुएशन में क्या काम करता है, और कुछ लोग होंगे कि एडजस्ट कर लेते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से ज्यादा मतलब कि होते कि नहीं मैं एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, तो अलग अलग पर्सनल चॉइसेस है, मैं किसी को सही गलत नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को चॉइसेस करना पड़ेगा। तो सर हम बोलना चाहेंगे कि हम तो अभी तक बिहार का इस सीएम को कभी सुने ही नहीं है कि वो फॉरेन गया हो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या बिहार में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट करा दिया हो। इनफैक्ट यूपी में भी एक कुछ दिन पहले हुआ था इन्वेस्टमेंट समिट और बहुत ज्यादा आया भी था, पर पता नहीं बिहार में क्या प्रॉब्लम है आज तक यहाँ के। एक लंबा डिस्कशन है अभिषेक, हम ग्रुप का टाइम नहीं हाईजैक करना चाहेंगे इसलिए बाकी लोगों को बोलने देंगे। ठीक है।
क्वेश्चन पे फिर से आते हैं, आई थिंक फिर से हम लोग उसी पे आ गए क्वेश्चन पे, कि जो लोग बिजनेस करेंगे क्या वो इसलिए बिजनेस करेंगे कि इंडिया को सुपर पावर बनाना है, या वो अपने फायदे के लिए बिजनेस करेंगे? तो यहाँ पे वही पैट्रियटिज्म और बिजनेस में अंतर दे तो देखना पड़ेगा ना। तो अभी जो ये हो हल्ला हो रहा है इतना, ये बॉयकॉट कर दो, वो बॉयकॉट कर दो, मैं दिन भर नो देखता रहता हूँ, फेसबुक पे मैसेज आता है कि मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये व्हाट आई एम सॉर्ट ऑफ फीलिंग इज इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड, कि अभी कुछ दिन हो हल्ला होगा, फिर सब लोग सब भूल जाएंगे, वापस अपने काम पे आ जाएंगे, एंड यू नो वी लव दैट यू नो काइंड ऑफ दैट स्टेबल लाइफ, जो अपना स्टेबिलिटी कर्व होता है उसमें आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये क्या बोलेंगे, जोश या यू नो दैट एंथुसियाज्म इज गोइंग टू डाई वेरी फास्ट इफ एक्शंस आर नॉट टेकन। एंड व्हाई समवन विल टेक एक्शन, इज इट दैट द एक्शन विल बी टेकन बिकॉज ऑफ दैट पैट्रियटिज्म, कि नहीं इंडिया को सुपर पावर बनाना है या चाइना को दिखाना है ये करना है वो करना है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल देंगे कि वो बॉर्डर वाला देख लेगा या सरकार देख लेगी, मेरे को क्या लेना देना, मतलब ऐसा भी लोग बोलेंगे। फिर देखेंगे कि कुछ लोग थोड़ा जोश में आए, वो चार ऑफिस जाएंगे, कुछ परमिशन का इशू आएगा, फिर लगे आए छोड़ो जो है चलने दो, यहाँ मैं मतलब इतना पैट्रियट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, राइट? तो अब जब सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों को, एक अच्छा खींचा है ना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही हाल होने वाला है। तो इसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट एक करता है एज फॉर एग्जांपल कि इंडिया को सुपर पावर बनाना है, फिर क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करने देगा, तो सोचेगा कि अरे मोदी जी कर देंगे तो उनको बहुत ज्यादा वोट मिल जाएगा। हिंदुस्तान में वोट के लिए इंसान किसी भी क्रम तक गिर जा सकता है, मर्डर रेप मतलब जो बोलिए वो कर सकता है। तो इनफेक्ट मान लीजिए कि अभी मोदी जी करेंगे, फिर ममता बनर्जी क्या सोचेगी, अरे 2021 में चुनाव है उससे मोदी को बेनिफिट होगा, करने ही नहीं देंगे। तो इनफेक्ट हिंदुस्तान में तो जब तक वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम नहीं होगा तब तक ये नहीं होने वाला है, कभी नहीं। जैसा चाइना में है कम्युनिज्म है ये ना, एक बार एक ऑर्डर निकल गया सब लोग तथास्तु हो जाता है कि हाँ निकल गया तब करना है। इंडिया में वो चीज है नहीं, इंडिया में बहुत सारे इंडिया है विद इन द इंडिया, राइट? सबका अपना अपना सिद्धांत है, प्लस प्लस है, माइनस है, यू नो मुझे परिवर्तन पसंद नहीं एटीट्यूड है कहीं ना कहीं। तो ऐसे एटीट्यूड में यूनिटी कैसे मेंटेन हो पाएगा? आई मीन इट लुक्स लाइक अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट टू मी, कि ऐसा मतलब कर भी पाएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई डोंट नो, बट जब तक कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं आएगा। श्यामा सर आप क्या बोलते हैं इस बारे में बताइए, planning of Modi government. मेरे को लगता है मोदी गवर्नमेंट का फाइनेंस साइड इज वेरी वीक, माय पर्सनल टेक। यू नो ही मे बी गुड इन द यू नो एड्रेसिंग द योर अदर इश्यूज, बट सो फॉर द बिजनेस एंड द फाइनेंस आई थिंक दिस हैज टू बी गिवन टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। इनसे चलने वाला नहीं है, बिकॉज आई डू नॉट सी इनफ एक्शंस फ्रॉम देम, दे आर बीइंग ड्रिवन बाय अंबानीज एंड कुमार मंगलम बिरलास। ये रिकॉर्ड होता है क्या, तुम्हारा ये रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड कोई बात नहीं, ठीक है। सो यू नो सो दे आर बीइंग ड्रिवन बाय देम, जस्ट फ्यू बिजनेस हाउसेस, ट्रस्ट मी। सो उसमें इंडिया, पूरा इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता भाई। और आई डू नॉट नो, अभिषेक अभी बहुत अच्छा बात कर रहा था कि जिस दिन अपना ये चेंज हो जाएगा, इंडिया का ये आगे पीछे घूमना नहीं पड़ेगा बाबू लोगों का, उस दिन से डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। आई फुल्ली एंडोर्स दैट। जैसे भी थोड़ा सा ये ईज आ जाएगा ना, अपना रेड टेपिज्म कम हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी कम हो जाएगा। आई डू नॉट नो हाउ इट कैन हैपन, बट इट कैन हैपन इफ सेंटर इंटरवेंस, कि भाई ये जो बॉडी है हमारा, ये बॉडी विल डिसाइड कि इन्वेस्टमेंट हम
कहाँ करेंगे कैसे करेंगे एंड वी विल प्रोवाइड दिस एंड स्टेट गवर्नमेंट यू टेक इट फ्रॉम अस यू नो दिस इज फॉर यू समथिंग लाइक दैट. तो ये अगर कर सकते हैं इंडिया में आई डू नॉट नो वेयर दैट प्लानिंग इज टुडे. If somebody can reply from this group, I will be very happy. Yeah. So the question is basically top down है या bottom up approach? कौन सा approach काम आएगा सर? तुलसा please. Top down. तो मेरा मानना है कि इंडिया का सबसे बड़ा weakness वही है कि इंडिया में हर चीज करने के लिए आपको 10 जगह को सबको एक 100 करोड़ लोगों को कन्विंस करना पड़ता है और 100 जगह से परमिशन लेना पड़ता है फैमिली से सोसाइटी से दोस्तों से गवर्नमेंट से सबसे. वो इंडिया का वीकनेस है. पर इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है वो भी वही है कि इंडिया में कोई एक जैसे चाइना को पुलिस भेजना पड़ा फाइन लगाना पड़ा सब कुछ करना पड़ा. तो इंडिया इज अ बिट कि भारत जो है एक कंट्री एक है लेकिन भारत के अंदर सारे स्टेट्स अलग हैं. ममता जी हो सकता है कि इंडस्ट्री के प्रति होस्टाइल हो कोई बात नहीं हम कलकत्ता की जगह पे हम बगल के उड़ीसा में चले जाएंगे हमको पटनायक जी बहुत अच्छा से वेलकम करें और ये हुआ भी है. बहुत सारे बिजनेस जो आज उड़ीसा में है सिमिलरली बिहार में बहुत सारे बिजनेस आ सकता था. बहुत सारे वहाँ के नेचुरल एडवांटेजेस हैं वहाँ चाहे मखाना का खेती हो एग्री बिजनेस में बट दूसरा बार नहीं आ पाया. क्यों आया? क्योंकि बगल में यूपी में योगी जी हैं वो ज्यादा फ्रेंडली हैं उनका गवर्नमेंट ज्यादा फ्रेंडली है. इंडिया में आज क्यों आज इंफोसिस बैंगलोर में कॉग्निजेंट चेन्नई में टीसीएस तो खैर बॉम्बे में बट उनका ऑफिस सबसे बड़ा कहाँ है पुणे में. तो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ज्यादा फ्रेंडली है तो महाराष्ट्र में ज्यादा डेवलपमेंट होगा. गुजरात फ्रेंडली है तो वहाँ डेवलपमेंट. तो सारा स्टेट टू स्टेट सिटी टू सिटी इन गाँव टू गाँव इस बिजनेस इज वेरी ग्लोबल एट द सेम टाइम वेरी लोकल. लोकल लेवल बहुत मैटर करता है कि लोकल लेवल पे कौन है. वहाँ किसी गांव का पंचायत आपके फेवर में है तो गांव में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है. बहुत सारे लोग एग्री बिजनेस में कर रहे हैं तो गांव लेवल पे शुरू कर कोई एक गांव 10 को मेरे फैमिली में एक है आई नो पटना के गाँव में उनका काफी अच्छा बिजनेस चलता है. तो जैसे अभिषेक ने अच्छा एग्जाम्पल दिन अभिषेक को जो करना था अभिषेक ने 100 करोड़ उसमें फ्यूचर ये होने वाला है ऑब्वियसली नॉट 2 साल में नहीं 5 साल में 100 करोड़ कम से कम एंटरप्रेन्योर चाहिए इंडिया गवर्नमेंट का कि हम लोग आपके लिए रोड ब्लॉक नहीं रहेंगे हम आपके इनेबलर होंगे. तो स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया ये सारा जो है ना क्या कहते हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया का रीइंस्टॉल हो रहा था. ऑपरेटिंग सिस्टम काफी कुछ रीइंस्टॉल हो गया अब सारे लॉ चेंज हो रहे हैं एंड एज देयर ओन लॉ देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस. तो जो स्टेट ज्यादा फ्रेंडली रहेगा वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट होगा. चाइना के साथ क्या है कि ऊपर नीचे सब एक समान है तो उनका स्ट्रेंथ है बट वीकनेस भी वही है क्योंकि सारा उनका डेवलपमेंट कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जो कोस्टल एरियाज में है. ओवरऑल चाइना के गांव-गांव में बहुत गरीबी है बहुत प्रॉब्लम है एंड पीपल आर लिविंग इन सेंट्रल चाइना में प्रॉब्लम तो है ही बहुत भयंकर प्रॉब्लम. हरी जी आप बताइए कुछ प्लीज. यस मिस्टर हरी आप व्हाट्स योर टेक क्या होगा बताइए. नहीं एक्चुअली आई वाज जस्ट बिट आउट ऑफ डिस्कशन. कुड यू रिपीट व्हाट इज द क्वेश्चन इज बेसिकली कि ये जो बॉयकॉट चाइना मूवमेंट है बहुत short-lived है जब तक इंडिया के सारे ease of business ठीक नहीं होगा and top-down approach नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता इंडिया का. तो I mean हम लोग जितना भी बोल रहे कि नीचे वाले लोग बहुत सारा चीज कर लेंगे कर भी लेंगे शायद कुछ लोग but majority of the लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि top-down में problem है. और चाइना में जबकि वो problem नहीं है चाइना में it's like you know एक order निकलता है everybody obeys media भी controlled है
इंडिया में सब कुछ बड़ा क्योटिक है, मीडिया भी हाथ में नहीं है और लोग भी हाथ में नहीं है. तो व्हाट्स योर टेक? तो इंडिया सुपर पावर बनना बड़ा हार्ड है इस तरह से. दैट्स व्हाट आई एम ऐसा हम लोग नहीं, मतलब एग्जैक्टली तो मैं नहीं एग्री करूंगा कि हार्ड होगा. यस डेफिनेटली थोड़ा सा तो डिफिकल्टीज रहेगी, बिकॉज अगर ऐसा है तो whichever सुपर पावर इज देयर दैट शुड बी कम्युनिस्ट. So, but US is a very big example. They are not a communist, but a capitalist economy. And democracy bhi hai wahan pe, but still they are a superpower. Or yeah, but decision making definitely Korea, China, ye log jo hai, they are way ahead. Unke isme bahut fast hota hai. Top to bottom will be the same. It is not like upar aadmi ek alag bolega, नीचे अलग बोलेगा. सो बट इन डेमोक्रेसी क्या होता है कि फ्रीडम फ्रीडम बहुत फ्रीडम होता है, बट एक्सेसिव फ्रीडम इज आल्सो डेंजरस. सो मीडिया कोई कुछ भी बोल देता है. यस यस एग्जैक्टली. सो मीडिया का भी ऐसा है कि कुछ है नहीं यहाँ पे, एंड दे विल से एनीथिंग. और पेड मीडिया भी बोल सकते हैं किसी एक पार्टी के लिए फेवर में हमेशा बोलते रहेंगे या तो. सो दैट इज देयर ऑलवेज इन डेमोक्रेसी. दैट इज थिंग आई फील. बट या प्रोज एंड कॉन्स एवरी इकोनॉमी में होंगे. इवन चाइनीज में कम्युनिज्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इट इज हाईली डिमोटिवेटिंग द इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट गोज टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो. अब वन फिक्स्ड फिगर, आपका फिगर फिक्स हो जाता है, एंड आफ्टर दैट यू कैन नॉट, यू कैन वर्क अनलिमिटेड बट यू कैन नॉट गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट. बट वही कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है. यू कैन वर्क ऑल्सो लिमिटेड एंड यू कैन अर्न अनलिमिटेड. बट इन केस ऑफ इंडिया वी आर अ मिक्सड इकोनॉमी. हमारे यहाँ पे दोनों है, कैपिटलिज्म भी है और कम्युनिज्म भी है. सो वी आर एक्चुअली अ मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक वी आर नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट, बट वी आर अ मिक्स. सो मिक्स्ड होने का भी एक अपना ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डू दैट थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ेगा फॉर दैट. नहीं ठीक है. तो ये मिक्स्ड के वजह से आई मीन अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉब्लम्स भी है. अब उस प्रॉब्लम्स को दूर कौन कर पाएगा? लाइक कैन अ कॉमन पीपल डू दैट डायरेक्टली? आई मीन दैट्स द क्रक्स. आई मीन टॉप डाउन होगा या बॉटम अप होगा? सर नो, द एडवांटेज इज कॉमन पीपल ओनली कैन डू दैट इन अ डेमोक्रेसी या इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी. बिकॉज़ जब तक के वो फीडबैक नहीं जाएगा ऊपर तक, देयर वोंट बी एनी चेंज इन द सिस्टम. आप नीचे से उठ के अगर इफ यू आर रेडी, यू हैव दैट गट्स इन यू टू रीच द टॉप, देन ओनली देयर कैन बी सम चेंज आई फील. और वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंडिया जैसे कंट्री में कि आप टॉप तक आपकी आवाज पहुंच जाए. इट इज नॉट दैट इजी. या आप आवाज जो उठा रहे हैं, मतलब आपका जोश कंटिन्यू रहे, पता चला चार दिन खूब हल्ला किया और पांचवा दिन आके सो गए, कहे सोने दो प्लीज. आई वांट टू स्पीक. यस सर बताइए. हरि हरि जी के बात से बोलना चाहूंगा. पीपल वोट करते हैं इलेक्शन में वोट से, बट सबसे बड़ा जो वोट देते हैं ना, पीपल वोट बाय देयर फीट. कि आज पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश का जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, कोई भी बिहार यूपी में नहीं है, वो सारे लोग बैंगलोर में, कलकत्ता, हैदराबाद में, पुणे में, बॉम्बे में, जहां भी. तो व्हाट पीपल डू इज कि मेरे पास वहां पे खाने के लिए रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, तो व्हाट विल आई डू देयर. तो ज्यादा के ज्यादा बहुत सारे इसके चलते रिजेंटमेंट भी इंडिया में बहुत जगह लगता है. दिल्ली में इसी बेसिस पे केजरीवाल ने इलेक्शन में जीता कि ये बिहार यूपी के लोग बहुत आ गए हैं, ये हो गए हैं. तो इंडिया में पीपल वोट बाय द फीट, नॉट ओनली बाय इलेक्शन टाइम में, कि हमको यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो सारा बिहारी लोग कहाँ पहुंचा हुआ है? बॉम्बे में, दिल्ली में,
बैंगलोर में हैदराबाद में एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश टिल फ्यू रिसेंटली सेम इज एप्लीकेबल फॉर पीपल फ्रॉम उड़ीसा बंगाल जहां जहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है गरीबी ज्यादा है वहां के लोग उसको छोड़ रहे हैं. कलकत्ता यूज टू बी इंडिया का कल्चरल कैपिटल था एक जमाने में. आज आज कलकत्ता में कल्चरल कैपिटल के लिए भी आपको क्या चाहिए लोग वहाँ बिजनेस रहेगा वहाँ पे. एक जमाने में काफी कलकत्ता में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस थे बट अब वहाँ पे नहीं है क्योंकि वहाँ का म्यूजियम्स वहाँ का आर्ट थिएटर वहाँ का सब कुछ धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी नहीं है वहाँ बड़ा बिजनेस नहीं है. आपको चाहिए यू नीड अ टाटा यू नीड अ रिलायंस यू नीड अ इंफोसिस कॉग्निज़ ये जब आपके पास आएंगे ना बड़े बड़े या यू नीड अ गूगल. जैसे हैदराबाद में आज देखिए हैदराबाद इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी इंडिया में आज क्योंकि हैदराबाद में आज टी हब है. हैदराबाद में आज गूगल का बहुत बड़ा ऑफिस है. गच्ची बावली हैदराबाद का आप लोग अगर जा गए हैं तो गच्ची बावली में आप वॉकिंग डिस्टेंस बेटर देन सिलिकॉन वैली. मेरी फैमिली भी रहती है वहाँ पे इन लॉज. गच्ची बावली में आप पैदल एक बगल में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है उसके बगल में गूगल का ऑफिस है. गूगल का बड़ा कैंपस है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सिस्को आईबीएम सारे बड़ी बड़ी दुनिया कंपनीज एक एक कॉलोनी में रुके हुए हैं गच्ची बावली में. क्यों? क्योंकि वहां पे चंद्रबाबू नायडू और बहुत सारे लोगों ने और उसके बाद भी जो चीफ मिनिस्टर है उन लोगों ने भी स्टार्टअप फ्रेंडली बनाया. तो मैं बिहारी हूँ लेकिन आज मुझे कहीं रहना पड़ेगा इंडिया में अगर आना पड़ेगा तो कहाँ जाऊंगा? मैं हैदराबाद जाऊंगा पुणे जाऊंगा. मैं बिहार नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि मैं अब उस एज में आ चुका हूँ कि आई कांट अफोर्ड टू कि मैं अभिषेक की तरह से 20s में हूँ. अभिषेक मैरिड भी नहीं है उनके पास बहुत से एडवांटेजेस हैं. मुझे अपने फैमिली का भी देखना पड़ेगा ना. तो आई हैव टू गिव कि मैं अपनी फैमिली को भी हैदराबाद शिफ्ट कर दूंगा या पुणे शिफ्ट करूंगा. पेरेंट्स को भी पटना में पापा मामा को पसंद है वो लोग हैप्पी है बट मैं अगर शिफ्ट करता हूँ इंडिया में तो आई रादर लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिजनेस एंड टू डू जॉब एंड दैट इज इन पुणे बैंगलोर हैदराबाद और भी बहुत सारे इंडिया में सिटीज हैं बट पटना विल बी नॉट बी वन ऑफ देम बिकॉज वहाँ के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का. हेलो जी मैम. हाँ यस जनता अभिषेक बोल रहा हूँ. यस हम बता रहे थे कि जैसे हरि जी बता रहे थे कि डेमोक्रेसी है हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये किस टाइप का डेमोक्रेसी है जो पब्लिक जिस सरकार को चुनकर बैठाता है उसी से मिलने के लिए आपको दिन भर चक्कर लगाना पड़ता है पैसा दे देना पड़ता है उसी से मिलने के लिए कहने के लिए जो जो अफसर होते हैं पब्लिक सर्वेंट होते हैं पर पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक को ही मिलने के लिए ये क्या क्या कर्म करना पड़ता है हर लोग जानते हैं. तो मतलब किस टाइप का सर्वेंट बना देता है राइट. एग्जैक्टली नहीं नहीं सर्वेंट से भी नीचा क्योंकि उसका सर्वेंट तो उससे मिल लेता है लेकिन पब्लिक कहाँ मिल पाता है. पैर पकड़ना पड़ जाता है सर्वेंट का भी पैर पकड़ना पड़ जाता है कि माई भाई मेरा तू काम कर दे. किस टाइप का डेमोक्रेसी मेरे को नहीं लगता है कि हमको लगता है कि इंडिया आजाद होते हुए भी गुलाम है मेरा एक ख्याल है. यस हरि जी बताइए आप प्लीज. नहीं इसमें जो सरकार हम चुन रहे हैं अभिषेक जी वो हमें सोच के चुनना चाहिए हमेशा. जो जो नेता हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको ऐसा ही नेता सिलेक्ट किया जाए कि जो अपने वादों से ना मुकरे वो जो इलेक्शन के पहले जो बोल रहा है उसके बाद में भी वैसा ही करे नहीं तो जो है वो तो नेता बन जाएगा आपके वहाँ रहने के लाले पड़ जाएंगे. तो इसलिए जो होता है कि सरकार चुनते वक्त या इलेक्शन वोट इज एक्चुअली अ राइट एंड इट इज आल्सो अ वेपन फॉर इन डेमोक्रेसी. तो आपका जो वोट है बहुत कीमती होता है और उसमें वही है कि मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जो लोकल जो लीडर आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट है उसी को वोट देना चाहिए. नॉट इवन बीजेपी नॉट इवन कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी पर्सन को आप दीजिए लोकल पार्टी को नहीं जो आप जिस हाँ जिसको आप जानते हो अच्छे से उसी को दीजिए. ओके प्रीति मैम आप यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज. आई हैव बीन क्वाइट फॉर अ व्हाइल. आर यू देयर? यस बताइए. मैं ये सोच रही थी कि एक मूवमेंट शुरू है बॉयकॉट चाइना. हम एक मूवमेंट ये नहीं शुरू कर सकते मेक बिजनेस इजी इन इंडिया.
That is better, right? Constructive way, positive way. दोनों का मतलब same ही है. हाँ, तो हम मतलब हम इस ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं. हमने इस ग्रुप में बहुत सारी डिस्कशंस किए. मैं शायद फिर लेट ज्वाइन की हूँ. मुझे ज्वाइन किया हफ्ता या दस दस या दो हफ्ते हुए होंगे. तो मतलब एज अ ग्रुप हमारे इस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं. तो हम ट्विटर पे या किसी सोशल मीडियम के थ्रू एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि प्रपोजिंग गवर्नमेंट कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, एमएसएमई के लिए या स्मॉल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या मिनिमम चाहिए. सब कुछ तो एक झटके में नहीं मिल सकता. तो मतलब यहाँ पे इस ग्रुप में भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं. तो वो एक मतलब इस तरह से जो बेयर मिनिमम चाहिए, जैसे कि लैंड मिलने में बहुत प्रॉब्लम है. अगर लैंड मिल जाती है इंसान को तो बाकी के तो चलो लगा ही लेगा चीजें. इलेक्ट्रिसिटी के लिए चलो लगा लेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए ले लेगा परमिट. तो मतलब जो जो एक स्टार्ट, एक पुश, यू नो, जैसे चलो गाड़ी चला दिया तो धीरे धीरे ले ही जाओ टाइप्स. तो हम क्या एक मूवमेंट शुरू नहीं कर सकते? हम इतने सारे लोग हैं. करेक्ट, बहुत अच्छा पॉइंट. ये शुरू हुआ है ना बॉयकॉट चाइना, किसी ने तो शुरू किया और बाकी लोगों ने फॉरवर्ड किया सिर्फ. एग्जैक्टली. बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स आज अभिषेक कुमार जनता जो कर रहा है अपना काम बिहार में, या बहुत सारे विशाल जी कर रहे हैं कोलकाता में, तो बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वो लोग इन्हीं में जुड़े हुए हैं. ये जो कॉल इस मूवमेंट का एक पार्ट, वन ऑफ द पार्ट, बट दिस नॉट द ओनली कॉल हैपनिंग. There are hundreds of meetings happening every day in different parts of India, and people are meeting in cafeterias, in restaurants, and people are having discussion. Maybe we are not aware of all the movements. I might not be aware of all the movements you are part of. You might not be aware of all the movements that I am part of. But there are a lot of movements, and if you just search for it, you will find there are a lot of movements going on in India. पर मुझे सुनने में सिर्फ बॉयकॉट चाइना क्यों आता है? नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला ज्यादा फेमस हो गया ना. हाँ. ज्यादा कैची होता है ना. नेगेटिव किसी को कैची नहीं, पहले तो आता ही हुआ है. अगर आप व्हाट्सएप के मैसेजेस खोलो तो 50 वो आएंगे. मैंने आज की डेट में अभी तक ना फेसबुक पे पढ़ा है, ना लिंक्डइन पे पढ़ा है, ना व्हाट्सएप पे मुझे ये मैसेज आया है कि मेक बिजनेस इजियर फॉर इंडिया. नेगेटिव मैसेजेस ज्यादा है पॉजिटिव मैसेजेस से. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मैसेजेस नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट नेगेटिव मैसेजेस ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादा इजीली फॉरवर्ड होते हैं. नहीं नहीं, पॉजिटिव मैसेज भी, जैसे आज ही देखिए पतंजलि अपना COVID-19 को लेकर ट्विटर पे मतलब एक टॉप 10 में हमको वही दिख रहा था. हर जगह खोलिए स्वदेशी, पतंजलि, बाबा रामदेव, मतलब उन्हीं का ट्रेंड हो रहा था. तो थोड़ा बहुत तो मतलब मोदी गवर्नमेंट में देशभक्ति जगा दिया है लोगों को. ठीक है, ये दो एग्जांपल है, बट ज्यादा होना होगा ना. वो मैंने भी देखा है वो मैसेज. पर ये मैसेज चाहिए कि हम बिजनेस को, हम ये पहुंचाएं कि हमें बिजनेस इजी करके दो. हमें लैंड एक्विजिशन, आप बाहर से जो कंपनी आती है आप उसको फ्री में इतने सारे एकड़ लैंड दे रहे हो, आप उसके लिए कमिट कर रहे हो कि गोल्फ कोर्स भी बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे. आप अपनी जनता के लिए क्या दे रहे हो? प्रीति जी, आप उन ग्रुप्स के पार्ट नहीं जिन पे यही डिस्कसिंग होता है हमेशा कि कैसे हम लोग स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप्स के क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंज है. तो उसमें क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल में जैसे हमने जो यन किया था उसमें गवर्नमेंट के भी लोग थे, और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा आजकल फ्रेंडली हो गई है. मतलब कि लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप पूरे भारत सरकार को एक नहीं मान सकते. आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्रेटरी लेवल पे, हर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा. बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग भी उन ग्रुप्स पे. नहीं, मेरा एक मतलब ये है कि एज अ ग्रुप हमेशा एक 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 जने से, एक छोटे ग्रुप से स्टार्ट होता है एक मूवमेंट टाइम कि, और वो एक एक मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि जहाँ पर चेंजेस या फिर रिफॉर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर बॉयकॉट चाइना इतना ज्यादा है, इट्स लाइक चांस पे डांस. मतलब आप
साथ में ये चलो बॉयकॉट चाइना इज पॉसिबल इफ वी गेट दिस बॉयकॉट चाइना इज पॉसिबल इफ वी गेट दिस ठीक है ये आई थिंक ये एक हैशटैग लिखा है मैंने ईज ऑफ बिजनेस करके maybe we can try to ease of business has become a joke in India maine abhi recently ek report ki thi to understand ease of business matlab usme ye bola gaya ki 14 steps upar but when you actually read the ease of business 2019 report it clearly says it is just practicality mein there is nothing the world bank maine report padhi and then on the basis of this and other research and discussions I prepared a small article and report what was new practically there's nothing okay so yeah to kuch kya kar sakte hain hum log thoda sochte hain is pe hum ya hum log as a gd wale group se kya kar sakte hain at least to start chaliye ye kal se chalate hain log o campaign makes क्या कैंपेन का नाम क्या होगा बताइए पहले थोड़ा डिस्कस किया जाए उस पे वही जो मैम बतला रही थी मेक्स बिल्डिंग बिजनेस नहीं वो क्या बोलते हैं मेक्स बिजनेस इजी इन भारत नॉट इंडिया क्योंकि इंडिया का नाम चेंज हो रहा है आप मल्टीनेशनल्स के लिए कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं एसईसीज दे रहे हैं ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए क्या क्या हैशटैग कुछ हैशटैग बताया जाए प्लीज ट्विटर पे ट्रेंड कराने का क्या ऑप्शन रहता है कोई मेरे को बता सकते हैं नहीं नहीं ट्रेंड तो लोग कराते हैं तो लगता है मैं खुद ट्रेंड हो गया आपको अभिषेक जी आपको हैशटैग यूज करना पड़ेगा कि आपने हैशटैग कर दिया और कुछ लोगों को टैग करना पड़ेगा जैसे अभिषेक जनता ने अतुल को टैग किया तो मैंने रिट्वीट किया या शेयर किया तो फिर किसी और मेरा फॉलोअर बहुत हो गए अरे मेरे हैशटैग को तो उस संबित पात्रा रिप्लाई नहीं दे देता है पता नहीं 100 बार किए नहीं उतना उम्मीद ना करो एटलीस्ट आप अपने कम्युनिटी में तो हल्ला हो थोड़ा अभिषेक जी आपके 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 हैशटैग को यू नेवर नो कितनी बड़ी मूवमेंट बन जाए आपको पता नहीं कितने लोग ज्वाइन कर रहे सही बात है मतलब यही सोच के कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे कि बड़ा नहीं होएगा वो नहीं सुनेगा यही चीज हम लोग का एन का भी है व्हाट थिंग्स दैट मैटर कि मतलब उसमें लोग क्या है कि छपरा के एक गांव से भी पार्टिसिपेट होते हैं और यूएस का कैलिफोर्निया से भी तो उसी तरह एक हम लोग को हैशटैग चलाना पड़ेगा जिसमें एक नहीं तीन चार चल सकता है एक नहीं तीन चार चल सकते लाइक ईज ऑफ बिजनेस मैंने लिख दिया और लाइक एनीवन हैज अ कमेंट व्हाट हैशटैग्स ईज ऑफ बिजनेस फॉर इंडियंस इन इंडिया आप ये लिखिए ईज ऑफ बिजनेस फॉर इंडियंस इन इंडिया नॉट फॉर मल्टीनेशनल्स के लिए तो वो देख ही लेंगे सरकार उस लेवल पे अभिषेक जी ने जो एग्जांपल दिया उसी को मैं एलैबोरेट करता हूं तो हमने जो यंग एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क स्टार्ट किया तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए किया मैं कैलिफोर्निया में हूँ बट मैंने फिर संतोष जी को जो है यूरोप में है वो आर्किलोर मित्तल में काम करते हैं बड़े बड़े आदमी है एक हमने जापान से इनको विकास जी को ऐड किया तो हमने ग्लोबल लेवल पे जो भारत के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है और मैं तो इसको सालों से कर रहा हूँ अलग अलग तरीकों से तो आपको भी जो सही प्लेटफॉर्म लगे विशाल जी का प्लेटफॉर्म ग्रुप डिस्कशन है 10 भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग मिलते हैं बात करते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है उसमें आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को शेयर कीजिए और फिर देखिएगा आपका राइट लोगों को फॉलो कीजिए उनको ट्वीट कीजिए उनको तो फिर हो सकता है कि वो लोग रीट्वीट करेंगे क्योंकि हम लोग आपस में आइडिया से खुद में आइडिया लेके नहीं होगा यू हैव टू शेयर इट एंड यू हैव टू ट्रेंडिंग के लिए आपको एक कम्युनिटी ज्वाइन करना पड़ेगा बहुत सारी कम्युनिटीज है मैं बहुत का पार्ट हूँ आप बहुत सारे लोग इस ग्रुप में 15 लोग हैं अलग अलग हरी कुट्टी जी किसी अलग कम्युनिटी के पार्ट होंगे अलग अलग लोग इस ग्रुप के ही बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कम्युनिटीज के पार्ट होंगे तो श्यामा जी काफी समय से बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किए तो वो अलग कम्युनिटीज वो बिरलाज और उस ग्रुप तो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लोग कर रहे हैं कोशिश आपका जो आइडिया बहुत अच्छा है कि ज्वाइंट एफर्ट ज्वाइन विथ होम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को या छोटी ऑर्गेनाइजेशन को लोकल लेवल पे आप कहाँ पे हैं तो वहाँ आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए या कोई कोई एक इवेंट बना दो ना कि हाउ टू
make kuch hashtags can work a lot actually. The hashtags, right. You know, not related to a community probably, hashtags more related to a like a national level hashtag, ठीक है, जिसपे सब लोग अपने आप को like जैसे मैंने ये लिखा, but I think ये बड़ा है थोड़ा, तो थोड़ा सा इसको सोचा जाए, I think और भी सोच सकते हैं मैंने कि ये मतलब आज और कल भी चल सकता है ये, कि hashtag सोचते हैं हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं इसमें कि मतलब इस तरह से कि think of making business easy. Come up with suggestions. मतलब जितने लोग हैं suggest करें कि क्या कर सकते हैं, क्या hashtag कर सकते हैं, social media में कैसे approach करना है, एक movement कैसे start कर सकते हैं, आपको हम सबको knowledge है social media में कैसे approach करना है, इसका best approach is different. तरीका है कि जितने लोग yes yes Priti ma'am please finish what you're saying please. हाँ मतलब मुझे ये था कि एक strategically अगर हम reach करते हैं so that is always more it is more appreciated. Rather कि अगर हम उसको just ऐसे ही सब लोग एक tweet retweet करने लग जाए, यानि planned way में, मतलब ऐसे होता है ना कि चारों तरफ से attack करने का एक national movement, IIM community है हमारी, जो IIT की communities होंगी, मतलब जैसे आप लोग join करते हैं, तो मतलब you know मतलब अगर एक हम उन communities में reach करें कि we are thinking of this, so please support us. तो मतलब जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट्स के या मैं अपने कॉन्टैक्ट्स की कम्युनिटीज में हूं, आप किस इंस्टीट्यूट से प्रीति जी, तो एक कम्युनिटी में जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो वो दिखने लगेगी. प्रीति जी मेरा क्वेश्चन है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, मतलब किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं? अभी तो मैं IIM को बिलोंग करती हूं, उसके पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती थी. तो आप दोनों को बिलोंग करती हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, IIM बहुत बड़ी कम्युनिटी है, IIM कम्युनिटी के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ. हाँ, इसीलिए मैंने ये आपको मतलब ये सजेस्ट किया कि मतलब आप रीच कर सकते हैं, आप बहुत लोगों को जानते हैं. हाँ, आप मेरा ये कहना है कि इस तरह से जैसे मतलब आपकी हाँ, बहुत लोग नहीं होते हैं, लोग अपना अपना जब अपना सेटल हो गए अपने घर में, ठीक है, अपने पैसे, अपनी गाड़ी, अपना बंगला है, काफी है, सो दे डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. तो प्रीति जी व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता भी हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग जो कि IIT के भी, मैं IIT का नहीं हूँ बट मैं IIT के हजारों लोगों को जानता हूँ क्योंकि मैं सोशली एक्टिव रहा हूँ और IIT के कॉन्फ्रेंसेज में भी अटेंड करता हूँ जो भी होता है. तो मेरा जो कहना, आपके जो आइडियाज बहुत अच्छे है, इस आइडिया को लिख डालिए, इफ यू कैन मेक अ प्लान इन अ गूगल डॉक और समथिंग एंड देन शेयर कि हम लोग उसको एक्शनेबल बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस कॉल के बाद वीडियो में तो रहेगा लेकिन एक्शन आइटम नहीं हो पाएगा. द मोमेंट प्रीति जी को डॉक्यूमेंट जो प्लान कि ये मूवमेंट कैसे बनाना चाहते हैं, उसमें हम भी हेल्प करेंगे, विशाल जी भी हेल्प करेंगे, अभिषेक जी, हरि जी, सारे लोग मिलकर हेल्प करेंगे, बट आपको इस आइडिया को लिखना पड़ेगा, you have to write it down somewhere so that it's there. मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मैंने कभी मूवमेंट शुरू नहीं की, पर नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हैं और मौका है, तो मौका ही नहीं होता है. तो मैम आपने मेरा जो मैं GD का जो डालता हूँ ना कि फील फ्री टू एड पॉइंट्स राइट, तो वैसा बना दीजिए जैसा मैं जो यू नो द इनविटेशन दैट आई सेंड एजेंडा पॉइंट्स राइट, एक दो तीन है एंड देन यू नो आई लीव ब्लैंक 4, 5, 6, 7, 8 राइट. So that you know it can be a chain message that okay, you can just put your 2-3 points and then you know we'll put our points and so the message will keep on circulating. So that's how the planning can also be formed. Agar aise hoga ki aapko pura plan banana hoga to phir wo na becomes again a very tough task to get started only. So aap just 2-3 point likhiye. के बाद हम लोग नहीं डिस्कशन के लिए नहीं, मतलब आई कैन जस्ट प्रिपेयर समथिंग वेरी स्मॉल वन पेजर की मतलब इफ पॉसिबल, मतलब आई मे बी रॉन्ग, सो आई मीन ऑल ऑफ यू आर देयर टू करेक्ट. नो यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल, इट्स अ राइट थिंग. Yeah. It's a good thing. We can be a part of a national movement. आज से शुरू करते हैं, ठीक है? Yes. अभी हम लोग एक चला रहे थे फी रिडक्शन का. टेलीग्राफ पे नहीं नहीं तो उसका हम उसमें पार्टिसिपेट ठीक है, जिसमें टेलीग्राम एक ग्रुप है करीब 2000 आदमी है, तो मतलब उसको हम ही लोग ट्रेंड करवाए थे मिलकर. तो इसमें हम लोग सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है कि लगभग सारे लोग ट्विटर पर होंगे, तो वो लोग एक दूसरे को फॉलो करना या साथ करें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो होता है किसी भी चीज को ट्रेंड कराने के लिए. Mm-hmm.
Okay. Anyone else has any comment? Ankit has joined. Ankit, maybe you can add a bit. Ye ease of business mein, what's your take, Ankit? Like, kya kya ho sakta hai? Ease of business mein, अभी तक जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, आई गेस काफी अच्छे लिए हैं, बस उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे अगर सही से कर पाए एग्जीक्यूट तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है. डेफिनेटली हर एक पैंडमिक के बाद में और जितने भी पिछले भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उसके बाद भी हमने देखा है कि काफी नए बिजनेस जो है आते हैं, बनते हैं मार्केट में. एंड हमेशा से कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को यू नो दे गिव बॉर्न टू द न्यू बिजनेसेस. सो अगर वी एज एन एंटरप्रेन्योर ये जो टाइम है अगर हमने इसका सही से यूज नहीं किया टू मेक समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ दिस क्राइसिस then we will be missing a hell lot of opportunity rather than you know searching for the ease of doing business things. It's available everywhere. Pehle bhi hote the, pandemic ke baad bhi Uber banna hai without you know depending much on the government support or movements ke hum log yahan pe baat kare, which is a very good thing. But definitely if we have a great idea and stuff, we don't need a movement. It starts from within. वो बोलते हैं ना भगवान को बाहर नहीं ढूंढा जाता है, खुद ही अंदर में होता है. सो वी कैन टेक लाइक दिस, आई मे बी रॉन्ग, बहुत लोग मेरे शायद फेवर में भी ना हो, बट डेफिनेटली जो भी है सामने बहुत आपको बहुत सब कुछ सपोर्ट सामने मिल जाएगा. यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर इट रादर देन मेकिंग अ मूवमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये वो, मतलब सर्च विद इन. एंड आपको वी नो यू, आई नो विशाल, आई नो अतुल, कहीं ना कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे पता है कि आप लोग हैं साथ में. अगर मेरे बिजनेस प्लान को अगर मेरे को मोल्ड करना पड़े, आई नो मिस्टर गोस्वामी है यहाँ पे जो कि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, तो आई हैव द कॉन्टैक्ट्स, आई हैव द थिंग, व्हाई आई विल बी नीडिंग द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. आई अग्री विद यू राइट. तो मैं rather than looking पर it is for masses, it is not for people like us. तो अंकित है प्रीति मैम व्हाट टू से, it is for the masses. See, it is for the masses, it is not for people like you or people who are very influential. एक नॉर्मल आदमी जब एक रेस्टोरेंट भी खोलता है ना, उसके लिए भी कुछ नियम जो होंगे वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे. मतलब आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप 10 लोगों का सपोर्ट लेके आगे बढ़ जाएंगे, पर हर कोई ऐसा नहीं होता है. लोग नहीं आते हैं आगे, लड़ने नहीं आते, छोड़ो मैं क्यों इंजीनियर में बनूं, तो वो चीज शुरू ही नहीं हो सकती है. प्रॉब्लम ये फर्स्ट स्टार्ट देने के लिए, जब एक फर्स्ट स्टार्ट मिल जाता है ना, मतलब नथिंग मोटिवेट्स लाइक सक्सेस. एक बार एक बच्चे को जब क्लास में फर्स्ट आने की आदत पड़ जाती है ना, वो सेकेंड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. प्रीति जी आपके लिए मैंने गूगल डॉक्स बना दिया. हाँ जी, हाँ जी, आपके लिए गूगल डॉक्स स्टार्ट कर दिया, अब उस पे आप अपने आइडियाज लिखिए, बाकी लोग भी डालेंगे और हम लोग मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. जी थैंक यू जी. चलिए ठीक है फिर कुछ स्टार्ट किया जाए. ठीक है आज 23 तारीख है, 24 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, 24 जून शुड बी अ मार्क इन द हिस्ट्री. ठीक है मैंने ट्वीट भी कर दिया. कुछ आज चाहिए, कल चाहिए, पास में चाहिए, फ्यूचर में नहीं. आज जो करना अभी करना है, कल किसने देखा एकदम. कल तो अभी आधे घंटे में ही हो जाएगा ना, 11:30 बज चुका है. चलिए देन, ओके, चलिए गुड नाइट फॉर नाउ, लेट्स गेट द गूगल डॉक रोलिंग. ओके बाय. ओके.